आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चिकन पैटस यस ये बहुत फ़ेमस चिकन पैटस है रमज़ान में तो स्पेशली सरगर्म बनती है तो सबसे पहले स्टफ़िंग के लिए हम बनाएंगे कीमा तो 50 एम जितना मैंने ऑयल लिया है इसमें गरम मसाला डाल दिया है साबुत वाला और दो प्याज़ बिल्कुल भी लाल नहीं करनी है आपको प्याज को गुलाबी हो कलर बस वैसे ही रखनी है और इसमें दो टेबल आपको डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने एक टी इसमें डाला है चिकन मीट मसाला यानी सिर्फ मीट मसाला वेज होता है ये मसाले का नाम ही मीट मसाला है और एक टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च तीखी वाली और इसमें डाल रही हूँ मेरा स्पेशल गरम मसाला जो अब तक ख़त्म नहीं हुआ ये इतना सा डालती हूँ और इतना ज़्यादा इसका अच्छा फ्लेवर है कि ये माशाल्लाह ख़त्म ही नहीं हो रहा इतनी बरकत है इस गरम मसाले में मैं ज़रूर रेसिपी उसकी भी शेयर करूँगी आप लोगों से तो इसे मिक्स कर लेना है ऑफ़कोर्स हल्दी भूल गई मैं <laughs> तो हल्दी भी ज़रूर डालनी है इसमें पाउडर मसाला जब भी आप डालते हैं क्योंकि मेरा अदरक लहसुन पहले से पिसा हुआ है तो उसमें ज़्यादा पानी नहीं है इसलिए ज़रूर थोड़ा सा पानी डालिए वरना मसाले जल जाते हैं अच्छे से भून लिया है मैंने पाँच से सात मिनट अब मैं हाफ़ के जी चिकन जो मैंने अपने इस वेजिटेबल कटर में ही कीमा बनाया है इसे डाल दिया और हाफ़ कप मैं इसमें पानी डाल रही हूँ ताकि इसमें कोई लंप्स ना पड़े वरना अगर डायरेक्टली मैं इसे इसी तरह से भुनने बनाने जाऊँ तो ये थोड़ा सा एग जैसा ऐसा अजीब सा दिखेगा लेकिन अगर आप इसमें हाफ कप जितना पानी डाल देंगे ये इस नमक अपने स्वाद अनुसार डालिएगा तो ये अच्छे से खिला खिला सा बनेगा वरना ये लंप जैसा बनेगा हमेशा याद रखिए कि चिकन कीमा अगर घर पे बना के आप इस तरह से डालते हैं हाफ कप इसमें पानी डाल दीजिए अगर आपको लगता है बीस मिनट पकने के बाद भी जब चिकन पक गया और पानी है इसमें तो थोड़ा सा सुखा लेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे अब मैंने लिया है एक किलो आलू इसे मैंने उबाल कर फ्रिज में रख दिया था एक घंटा ठंडा हो गया अब मैंने इसे स्मैश कर लिया है आठ से दस कोतमिर कोथमिर नहीं कड़ी पत्ता आठ से दस डालिएगा चाट मसाला वन टीस्पून और सॉल्ट अपने स्वाद के अनुसार और धनिया पत्ती और पुदीना पत्ती मेरे पास थी उसे भी चॉप कर करके मैंने इसे मिक्स कर लिया है इसे अच्छे से स्मैश कर लीजिए कीमा हमारा ठंडा हो गया आप चाहे तो धनिया पत्ती इसमें भी डाल सकते हैं और ऑफ़कोर्स आपको याद रखना है कि तेज पत्ता गर्म मसाला इसमें से अखा निकाल लेना वरना मुंह में आता है तो कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है तो ये पैटिस मैं जब कॉलेज में थी तब बनाया करती थी और इसका स्टॉल भी लगाया करती थी तो अल्लाह ताला के करम से इस पैटिस ने हमें बहुत अच्छा नाम और अच्छा पैसा भी दिया कहूँगी कि इसे हम बेचा करते थे तो ये भी एक काम मैंने कभी किया है ज़िंदगी में अच्छे बुरे दिन सब आते हैं तो अभी थोड़े से मुश्किल दिन हैं तो मैं चाहूँगी कि आप सभी दुआ करें ऊपर वाले से कि हम सभी को सब्र और अकल दे और जल्दी जल्दी इस बीमारी की दवा निकल जाए और हम सब नॉर्मल ज़िंदगी में आ जाए तो पैटिस इस तरह से बना लेनी है आपको कुछ को मैं रवा लगा रही हूँ और कुछ को रवा नहीं लगा रही हूँ आप दोनों तरह से बना सकते हैं कुछ पे रवा लगा दीजिए सेवई नहीं लगती है इसमें ट्रेडिशनली इसमें थोड़ा सा रवा लगता है या फिर ब्रेड क्रम लगता है उसके बाद मैं इसे अंडे की कोटिंग करके इसे तल ले रही हूँ तो ये सिर्फ हल्का कलर आ जाए अंडे का तो उतना ही तलना है बहुत ज़्यादा इसे तलने की जरूरत नहीं क्योंकि ये तो सब कुछ पका हुआ है तो दोनों तरफ से लाल हो चुका है देखिए ये रवे वाला है और कुछ बिना रवे वाला है दोनों का टेस्ट अमेजिंग आता है आप इसे बनाकर दो से तीन दिन के लिए फ्रिज में रख भी सकती हैं तले बगैर हाँ और अच्छी ठंडी जगह पे रखेगा तो इस तरह से मैं बनाती हूँ मेरे घर में मेरे हाथ की बनी हुई पैटिस बहुत पसंद है सबको और सच में जहाँ मैं मदनपुरी में स्टॉल लगाती थी वहाँ लोगों को बहुत पसंद आती थी ये पैटिस तो आज भी लोग याद करते हैं कि कॉलेज के ज़माने में हम इसका स्टॉल लगाया करते थे तो अल्लाह ताला हम सभी की मुश्किलों को आसान करे और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो ज़रूर लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और आपके घर वाले जब ये बनाएंगे और आपकी तारीफ़ करेंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा मैसेज करके फिर मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के अपना बहुत ख्याल रखिए और अल्लाह ताली से दुआ कीजिए